Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक जमाना था कानपुर की कपड़ा मिल विश्व प्रसिद्ध थी। कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर बोला जाता था। कानपुर की फैक्ट्री के महीन सूती कपड़े प्रेस्टिज सिंबल हुआ करते थे। वो सब कुछ था जो एक औद्योगिक शहर में होना चाहिए। मिल का सायरन बजते ही हजारों मजदूर साइकिल पर सवार टिफिन लेकर फैक्ट्री की ड्रेस में निकल पड़ते। बच्चे स्कूल जाते, पत्नियां घरेलू कार्य करती और इन लाखों मजदूरों के साथ ही लाखों सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क सबकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर कम्युनिस्टों की निगाहें कानपुर पर पड़ी, तभी से बेड़ा गर्क हो गया। 8 घंटे मेहनत मजदूर करे और गाड़ी से चले मालिक, कम्युनिस्टों ने यह नारा दिया। ढेरों हिंसक घटनाएं हुई, मिल मालिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा भी गया। नया नारा दिया गया, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। कानपुर को सुभाषिनी अली के रूप में कम्युनिस्ट सांसद मिला। अंततः वो दिन भी आ गया जब कानपुर के मिल मजदूरों को मेहनत करने से छुट्टी मिल गई, मिलों पर ताला डाल दिया गया। मिल मालिक आज पहले से शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में कारखाने खोल दिए। कानपुर की मिलें बंद होकर जमीन जंगल हो गए। मिल मालिकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कानपुर के वो 8 घंटे यूनिफॉर्म में काम करने वाला मजदूर 12 घंटे रिक्शा चलाने और दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश हुआ। कम्युनिस्टों के शासनकाल में बंगाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। बंगाल के तमाम कारखानों में यूनियनबाजी, स्ट्राइक आम बात हो गई। मिल मालिकों के साथ गाली गलौज, मारपीट आए दिन होने लगे। बंगाल में कम्युनिस्टों के द्वारा नारा दिया गया, दीते हो बे चोल बे ना। नतीजा यह हुआ, सभी कंपनियों में ताले लटक गए। अधिकांश कंपनियां अपने व्यवसाय को बंगाल से हटाकर गुजरात एवं महाराष्ट्र में शिफ्ट कर ली। कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चे कबाड़ बीनने लगे और वो मध्यम वर्ग जिसकी आंखों में मजदूर को काम करता देख खून उतरता था, अधिसंघ को जीवन में दोबारा कोई नौकरी नहीं मिली। एक बड़ी जनसंख्या ने अपना जीवन बेरोजगार रहते हुए डिप्रेशन में काटा। कम्युनिस्ट अफीम बहुत घातक होती है, उन्हें ही सबसे पहले मारती है जो इसके चक्कर में पड़ते हैं। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि 2 क्लास के बीच पहले अंतर दिखाओ और फिर इस अंतर की वजह से झगड़ा करवाओ और फिर दोनों ही क्लास को खत्म कर दो। इन दोनों मजदूर पलायन विषय पर ढेरों कुतर्क बताए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। मजदूरों के पलायन पर आज यही वामपंथी सबसे ज्यादा दुखी हैं, जिनके कारण मजदूरों का अपने वतन से गुजरात महाराष्ट्र की ओर पलायन हुआ। सबसे ज्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ही हैं। बिहार के मजदूरों का पलायन करने का एक बड़ा कारण लंबे समय तक जंगल राज होना और वामपंथी नक्सली हिंसा ग्रसित प्रदेश होना भी रहा है। लॉकडाउन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी थी कि मजदूरों को उचित सहायता प्रदान करें। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वाकई सराहनीय कार्य किए तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर मजदूरों को सड़क पर धकेलने का काम किया। अपना सब कुछ लुटाकर गांव पहुंचे यह मजदूर अपने घर वालों और गांव वालों को कोरोना जैसी बीमारी भी दे रहे हैं। भारतवासी 70% रॉयल्टी देकर शराब तो पी सकते हैं, मगर 5 रुपए प्याज का दाम बढ़ जाए तो सरकार को कोसने लगते हैं, और यही काम मजदूरों ने किया। संकट की इस घड़ी में वो अपने और अपने परिवार को पोसने की बजाय प्रधानमंत्री को कोसने लगे। मजदूर वर्ग कल भी झांसे में थे और आज भी झांसे में हैं। इन्हीं वामपंथियों द्वारा तमाम तरह की अफवाहें फैलाकर उन्हें घर जाने के लिए बीवी बच्चों के साथ इस कड़ी धूप में सड़कों पर धकेल दिया गया। गांव में इनकी इतनी बड़ी जमींदारी थी तो ये लोग मजदूरी करने क्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात गए? उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं आई कि संकट की घड़ी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपने और दर्जनों बच्चों को कैसे पाल पोस रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।